उसके बाद हॉरिजेंटल 2x2 मीटर का हम वर्टिकल होल खोदेंगे इसमें और उसको प्लैंक के साथ में, तो उसके लिए जितने भी रिसोर्सेज हैं वो हमने अरेंज कर लिए हैं, जो भी ड्रिलिंग मशीन या जो भी रिक्वायर्ड है, क्योंकि अब मैनुअली काम होगा, मेनली मशीनरी काम ऑलमोस्ट हो चुका है, तो उसमें जो मैनुअल जो डिस्टेंस है हमारी जो पॉइंट पे जहाँ पे बोरवेल है और जहाँ से हमारा ये टनल खोदेंगे हम, उसमें लगभग 15 फीट के आसपास की विड्थ है और उसको मैनुअली हम सारा करेंगे और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जहाँ पर बच्चा है उसको ऊपर पॉइंट पर आएगा वो, और उसके बाद उसको हाथ से लाने का प्रयास करेंगे। तो उसके लिए हमने सारी मशीनरी सारे रिसोर्सेज अरेंज कर लिए हैं और मेरा मानना है कि हम रात में कभी भी जितने समय लगेगा उसको खोदने में उसके बाद बच्चे को हम निकाल पाएंगे, क्योंकि तो उसमें समय सीमा देना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास है कि हम रात रात में पूरी कार्रवाई को खत्म कर लें। देखो ये बिल्कुल सही बात है आपकी, ये बिल्कुल बहुत ही क्रिमिनल नेगलिजेंस है और इसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है और हमने भी बार बार हिदायत दी है, उसके बाद भी कुछ लोग इस तरह की बोरवेल खोदते हैं और उसका कोई प्रोटेक्शन नहीं करते हैं, उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाएगी, प्रोसिक्यूट किया जाएगा और भी कोई इस तरह के पाए गए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा, क्योंकि इस बार में भी ऑलरेडी DDR एंट्री कर दी है और उसमें हम जो भी धाराएं लगेंगी क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वो भी लगाएंगे और उसको प्रोसिक्यूट करेंगे और जो भी इसमें दोषी होगा उसकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। बच्चा गया, छोटा छोटा बच्चा के साथ गया, मैं तो घर पर काम कर रही थी, बच्चा ले गया अभी ने। तो कैसे पता लगा आपको? पता मैंने बाद में बोल मारा, ले गया बुला के अम्मी भैया पड़ गयो, भैया पड़ गयो, मत करिए कोई खाटा में पड़ गयो, लगे बड़े कुआ खोद रखे कुआ में पड़ गयो, भाग्या क्योंकि मन तो पता नहीं थी बात का मेरा है। किसके साथ गया था? बच्चा है ना, ना ना छोटा छोटा टब्बर बांग सा गया। क्या करेंगे, खेलने गए थे? बेरी है, बेरी के नीचे बेर लाने ले गया, बस इतनी बात हुई, बाद में भाग्या जब भी कमा चल गया। तो उसके बाद आपने किसको बताया? मैं बाद में आना बोल मारे काम लाग रहा ये गया फिर गया। जी चार लड़की एक लड़का एक छोटे वाला छह टब्बे साथ में गए थे और फिर ये बेर चुगने लगे, लड़की बोलती है बेर चुग रहा है, बेर चुग रहा है, इसके पीछे ये सोचा बच्चा सोचा भागेगा पीछे मेरे, तो भागा ना खड्डे में पड़ गया, फिर लड़की वहाँ से आवाज़ लगाया, लड़की बोली पापा भैया पड़ गया, मम्मी भैया पड़ गया, फिर इसकी मम्मी साथ में इधर गई तो इसकी मम्मी को इसको दौरा आ गया, रास्ते में पड़ गई, फिर मैं भाग के गया और ताऊ का लड़का था साथ में, वो भाग के गया और पुलिस को फ़ोन किया। इशार कितने बजे की घटना है ये? 5:05 की। कितनी देर में पुलिस और जो जिले के प्रशासन के अधिकारी थे पहुंच गए? अधिकारी से 6 बजे करीब पहुंच गए, 6:10 बाकी पहुंच गए थे। तो अभी जो अधिकारियों से आपकी बात हुई होगी जो यहाँ पे बचाव कार्य कर रहे हैं, तो क्या उन्होंने बताया है, क्या जानकारी आपको दी? इसको ऐसा बोला जी, अभी जानकारी दिए वे बोले अभी 2 घंटे में निकल जाएगा और बच्चा अच्छा है, दूध पिया और सब चीज पिया, बिस्कुट खाया है, अच्छा है, खेल रहा है। उसमें कैमरा लगा हुआ है, तो अभी आखिरी बार आपने कब देखा था बच्चे को? बच्चे को अभी मैं देख के आया, रोटी खाया बस। अच्छा, अच्छा। तो दिन में बच्चे ने कुछ खाया है? हाँ, दिन में भी पेप्सी पिया और क्या बोलते हैं फ्रूटी और 3 बिस्कुट खाया, फिर वापस सो गया, 1.5 घंटा खेला वो, 1.5 घंटे बाद सो गया, फिर वो 3:30 बजे उठा, फिर भी इसको और जूस पिलाया, 1 गिलास जूस पिया और 2 बिस्कुट खाए। और मेरे को फ़ोन गया, बोले भाई बच्चा पड़ गया है, जब मैं आया था पड़ रहा था और मैंने कुछ नहीं मिला, मेरी आँख मनाई हुई थी और मैंने और कौन मेरा कुछ भी, मैं तो बुढ़ाक उसमें जा रहा था सोलर प्लांट उसमें काम पर जा रहा था, रुपये कोई नहीं भाई, और मैं तो आई थी पुलिस बार के चक्कर काट रखे है कहाँ, ना मन पता ही नहीं, मैं काम गई थी मकान गई थी भाई। तो आप कितने बजे वापस आए? मैं आई 5:30 बजे तो पुलिस बार के फिर थी, मैं पुलिस ने मैं बोली मेरे को के बात होगी की होगी उसने कहा वो बच्चा गिर गया, मैं बोली कहा गिर गया, जिनने कहा मैंने पता है किसका गिर गया, देखूँ तो मेरे भी छोड़ो, जब तक नहीं पता था आपको ना मन पता को नहीं, मैं गम हुआ वही देखा रास्ता मिली पुलिस तो मन के
डेढ़ साल का मासूम Gracias.